कैंपिंग के लिए निकलिए, घर से बाहर निकलिए और हमको ज्वाइन करिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता। तो अभी आपको जैसे कहते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है, जाते जाते हमने कहा आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करके दिखा दें। वो कैप से इसको चिपका के ढक्कन बना दिया हमने, टैप का जो हमने इंतजाम किया है, हमने ये टैप यूज किया है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज आने वाला है। दैट सरप्राइज इज कि हम लोग जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, क्रिएटिव सरप्राइज। हाँ, अब आप लोग कहोगे फार्म हाउस पे जाना कौन सा बड़ा सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज ये है कि वहाँ पे हमने बुला रखा है अपने एक मैकेनिक को। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, हमारा फार्म हाउस हमारे लिए वेयर हाउस है। हमारी गाड़ी पे जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं वो वहीं पर होते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एग्जैक्टली पानी का मैनेजमेंट करने, और वो वन इन अ काइंड होगा, जो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी कैंपिंग करने वाले बंदे ने किया हो। इंडिया में कह सकती हो, बाहर वालों ने कर रखा है, इंडिया में नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा। तो उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रही है। तो अभी जैसा आप देख सकते हो ये दो एंगल लगे हैं, और ये दोनों ही एंगल का जो मटेरियल है बिल्कुल रस्ट फ्री है। ये अभी हम लोग यहाँ पर लगा के ट्रायल कर रहे हैं, जो हमारे मिस्त्री हैं इन एंगल्स के ऊपर, मतलब ये बेसिकली सपोर्ट है, इनके ऊपर हमारा जो वाटर टैंक है वो रखा जाएगा। वो एंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, थोड़े हमारे जैसे मोटे पतले कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो अभी उसको ये थोड़ा मतलब ग्राइंडर सा लगा के उसको थोड़ा स्मूथ कर रहे हैं, जिससे कि दोनों एंगल हमारे बिल्कुल सही तरीके से उसमें फिट आ जाएं गाड़ी के अंदर, और इसके ऊपर फिर टैंक रखते हैं हम लोग। तो अभी हमारे मिस्त्री ने डिसाइड किया है कि इन दो एंगल्स के बीच में भी एक पाइप लगेगा, क्योंकि जो हमारा वाटर स्टोरेज है वो अबाउट 50 लीटर्स है, इसीलिए उसको सपोर्ट देने के लिए बीच में भी एक लोहे का एंगल लगेगा। ये दो आपको लोहे की पत्तियाँ दिख रही हैं, ये दो पत्तियाँ क्या करेंगी, जो हमारे पाइप है जिसमें वाटर स्टोरेज होगा, उस पाइप को होल्ड करने के लिए ये फ्लेक्सिबल पत्तियां यूज करके उसके ऊपर हम इसको टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो टैंक है वो बिल्कुल भी मूव ना करे। तो भाई फाइनली अपना टैंक हम लोगों ने रख दिया है, और जो पत्तियां बनाई थी उसको भी हम लोगों ने इसके ऊपर फिट कर दिया है। और मैंने ये क्लिप जितनी भी आपको अभी देखी है आपने, वो मैंने पार्ट्स में शूट की हैं, क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं था, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मेरे हिसाब से किसी के पास भी सेटअप अभी तक इंडिया में मैंने नहीं देखा है। शायद कुछ लोग डर भी जाएं, कहें ये लीगल है या इलीगल है। वैसे लीगल तो मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ भी नहीं है, कैंपिंग वैन के हिसाब से सब कुछ इलीगल है। तो अभी हमारा वाटर टैंक स्टोरेज की कैपेसिटी है जो, वो हो गई है 45 लीटर्स। तो हम लोग बिल्कुल ट्रैंक्विल होके अब अपनी जो सफ़र है, अपनी जो आने वाली ट्रिप है, वो बड़े मज़े से करेंगे। शायद थोड़ा बहुत हमारे मेंबर्स को पानी उधार भी चाहिए होगा, वो भी दे देंगे। सो सारी फिटमेंट्स जितनी भी हैं सब कुछ फिटिंग हो चुकी है, फिनिशिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। कलर हम लोगों ने इसलिए चेंज कराया है क्योंकि ब्लैक ऐसे लग रहा था जैसे कोई मिसाइल है, इसीलिए हम लोगों ने वाइट करा दिया। तो अभी तक जो आपने वीडियो देखा वो हमारा लगभग 48 घंटे की मेहनत थी, बट आपको शायद 48 सेकंड में दिखा दी गई। तो हियर इज अवर मिसाइल, फाइनल लुक है। अभी इसके ऊपर एक कोट पेंट होना बाकी है, तो अभी आपको जल्दी जल्दी से समझा देते हैं कुछ। पहले तो ये नीचे आप देख लो, नीचे ये बिल्कुल रस्ट फ्री एंगल लगे हैं, आप ध्यान से देख सकते हो बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं ये। और इधर ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये दो लोहे की पत्तियां लगी हैं जो इसको बिल्कुल टस से मस नहीं होने देती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पाइप है ये प्लास्टिक एंड रबड़ मिक्स वाला है, अगर कोई इम्पैक्ट पीछे से लगता है, अब आती है ना बात सिक्योरिटी की, अगर कोई इम्पैक्ट पीछे से इसके ऊपर लगता है तो ये अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, इस वजह से हमारी गाड़ी पे जो भी चोट लगेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाला पाइप हमारा, ठीक है। और अब आती है इसकी बात, इसके फीचर्स बताने से पहले मैं आपको बता दूँ जो क्वेश्चंस उठने वाले हैं कि पीछे गार्ड लगाना मना है। अब आगे तो गार्ड का पता लगता है कि हाँ पीछे आगे से एयर बैग्स खुलते हैं, तो इसलिए गार्ड आगे से लगाना मना किया जाता है, बम्पर जो होता है उसको लगाना मना किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, कि एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। पीछे से ये लॉजिक बताया जाता है कि पीछे जो गाड़ी की चेसिस होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, इस वजह से अकॉर्डिंग टू लॉ आप पीछे गार्ड होता है वो नहीं लगवा सकते। उसके बावजूद पूरे इंडिया में लगे हैं, हमने घुमा है बहुत सारा इंडिया, तो लगा ही हुआ है, हर जगह लगवा है, कोई कुछ नहीं कहता। फिर भी मैंने ये जो लगाया है ये चेसिस में नहीं कसा गया है, ये वहाँ पे कसा गया है जहाँ पर टो के लिए दो हुक्स दिए जाती हैं। आप मतलब कोई गाड़ी टो कर रहे हो, खींच रहे हो, उसको पीछे दो हुक्स दिए जाते हैं, वहाँ पर दो अच्छे खासे हैवी नट्स वगैरह दिए हुए हैं,
उसमें ये चीज़ फिट की गई है, तो वो हमारी टेंशन ख़त्म हो गई, पुलिस को हम जवाब दे सकते हैं। अब आती है बारी, ये यहाँ पर एक ढक्कन लगा है, इस ढक्कन को हम खोलेंगे, जब बहुत ही टाइट है ये, इस ढक्कन को खोलेंगे तो यहाँ पे आप ये होल देख सकते हो, यहाँ से हम पानी को करेंगे फिल, ठीक है। और ये ढक्कन की भी जरा देखो भाई साहब, ये चीज़ें DIY है, ठीक है, मिस्त्रियों को हमने जुगाड़ बताए हैं। ये आप देख लो, ये PVC पाइप है जो घर में आपके घरों में लगता है ना वाटर सप्लाई के लिए, वो है। और ये एक नॉर्मल कैप है जो आपको वहाँ पे आराम से किसी भी दुकान पे मिल जाती है, वो कैप से इसको चिपका के ढक्कन बना दिया हमने, ठीक है। तो हर चीज़ DIY है, किसी की कॉपी नहीं मारी हमने। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर हमने जो टैप का इंतज़ाम किया है, टैप का जो हमने इंतज़ाम किया है, हमने ये टैप यूज़ किया है जो आपके घर में RO वाटर सिस्टम होता है ना, उसमें ये टैप लगा होता है, ये वाला टैप का सिस्टम हमने किया है। बहुत ही बढ़िया नियोजन है मेरे हिसाब से, मैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसमें 45 लीटर वाटर हम लोग इसमें डाल सकते हैं। और अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी कि शायद क्वेश्चंस भी उठ जाएं, अगर आप नीचे कैमरा मारो श्रीमती जी, तो साइलेंसर का हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट था कि साइलेंसर पे जो हमारा जो धुआं निकलता है उसको लेके हमें बहुत इशू आए पहले, कि इसको ऊंचा कितना किया जाए, नीचा किया जाए। तो फाइनली हम लोगों ने ऐसी स्पेस ढूंढ ली, इसको थोड़ा सा ऊपर किया हमने, जिससे साइलेंसर की जो गर्मी है, जो धुआं है, वो इस पर ना लग पाए, ठीक है। अब ऊपर करते थे तो हमें ये दिक्कत आ रही थी कि हमारा ये डिक्की खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारी डिक्की खुल रही है और इसमें ये तीन उंगलियों का, मेरे हाथ की तीन उंगलियां इसमें जा रही हैं, इतना इसमें अभी स्पेस बाकी है। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब आती है ड्रॉर्स की बारी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट था कि 45 लीटर पानी ले जाना है, डिक्की भी खुलनी चाहिए, साइलेंसर भी नहीं लगना चाहिए। और ये रहा अपने ड्रॉर, इसमें भी एग्जैक्ट इसमें चार उंगलियां जा रही हैं, उसमें 3 जा रही थी, इसमें 4 जा रही हैं। तो ये तो हो गया आपका जवाब, जो कुछ लोग होते हैं जिनको क्वेश्चन पूछने की आदत होती है, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तो आपके मैंने जवाब दे दिए हैं। इसको करते हैं अभी बंद, और अभी इसको हम लोग लेके जा रहे हैं ट्रायल के लिए। इसको पहले हमने अभी पानी भर के, लीकेज इसकी हम लोगों ने ट्राई कर ली थी, लीक ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अलग से कॉस्ट का वीडियो बनाऊं इतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं आपको अभी इसी टाइम आपको इसका कॉस्ट भी बता देता हूँ। ये जो पाइप एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी इसमें सब कुछ लगा है, आई थिंक कैलकुलेशन मारना पड़ेगा 1500 प्लस। मतलब तुम ओवरऑल कहना चाहते हो कि पाइप और जो ये लोहे का काम हुआ है, हाँ, टोटल एवरीथिंग, और ये फिटिंग लेबर, अभी बता रहा हूँ मैं, दो जगह मैंने पैसे दिए हैं, 1500 प्लस 1400 प्लस 15 29 हो गया। हाँ, 29 हो गया, 100 3300 3300 रॉक सॉलिड, रॉक सॉलिड वाटर मैनेजमेंट आपके भाई ने करके दिखा दिया। कहते हैं ना कि अब लोगों को भाषण देना तो आसान है कि ये करवा लो वो करवा लो, तो मैं हर चीज सॉलिड और अफोर्डेबल आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, आपके सामने पेश कर दी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि कैंपिंग हमारे बजट में नहीं है। तो यो आपको वो फैंसी वाली जो जेरिकेन्स आती हैं 6000 20 लीटर की जेरिकेन फ्लैट वाली, बट वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने फैशन नहीं देखना है, आपने प्रैक्टिकल काम करना है। लोग क्या करते हैं, उसमें भी फैशन ढूंढते हैं, रेड कलर की फ्लैट वाली जेरिकेन लगा के बहुत सारे रूल्स तोड़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं बाहर, यहाँ तो लगाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है, फंक्शन से बाहर हो जाती है ना गाड़ी की कोई भी चीज यूज करो, तो मैं फंक्शन के अंडर आनी चाहिए। तो फिलहाल मैं अपनी ऑडियंस से ही पूछूंगा, अगर आप 45 लीटर वाटर कैरी करते हो और आपको अंदर स्पेस बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना घी, आपकी स्पेस बचती है, अंदर कुछ नहीं रखना, अब आपने अंदर जो मर्जी करो, अब 45 लीटर का कौन सा ऐसा टैंक है या कौन सी ऐसी जेरिकेन है जो आप 3300 में बना लोगे, और वो भी इतनी सॉलिड कि इस पाइप के ऊपर गारंटीड, जहाँ से ये पाइप लिया है गवर्नमेंट, ये पाइप अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है इसको, इस पाइप को। और इस पाइप की ड्यूरेबिलिटी क्या है पता है, एक टैंक फुल ऑफ ऑयल, जो ऑयल लेके जाते हैं ना टैंक, डीजल पेट्रोल लेके जाते हैं, वो इसके ऊपर से निकल जाएगा तो भी ये क्रैक नहीं करता, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल इतना नहीं है कि ये बिस्लेरी की बॉटल है,
ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऐसे दब जाएगा, ये फ्लेक्सिबल ये है कि जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, फ्लेक्स हो जाता है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया, एक शॉट में सारा वीडियो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो वी होप कि आप इससे इंस्पायर होंगे और आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। बस मेक श्योर कि गाड़ी की चेसिस में कुछ नहीं बांधना, अदरवाइज आप लॉ के खिलाफ जाते हो। अगर चेसिस में कुछ बांधते हो तो आपका फाइन कट जाएगा। हमने उसका जुगाड़ मतलब लूप होल ढूंढ लिया और ये बना दिया। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से आपको ये समाचार बहुत ज़्यादा प्रलोभित कर रहे होंगे, कैंपिंग के लिए उकसा रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कैंपिंग के लिए निकलिए, घर से बाहर निकलिए और हमको ज्वाइन करिए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सकता। तो अभी आपको जैसे कहते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है, जाते जाते हमने कहा आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करके दिखा दें। तो ये बंदी है जो ये लगभग 60 केजी की है, ये इस पाइप के ऊपर बैठी है। मेरी बेइज्जती करा दी 60 केजी बोल के। नहीं, टेस्ट दिखाना चाहिए ना। देखो ये देख लो अभी कहाँ पे बैठी है, ठीक है, पाइप के ऊपर बैठी है। 60 केजी इसका वजन है और 50 लीटर वाटर इसके अंदर हम लोग अभी फिल करेंगे, उसके ऊपर फिर आपको बैठ के दिखाएंगे। यानी अबाउट 100 केजी की कैपेसिटी इसकी वजन झेलने की। हम लोग वैसे टेस्ट कर चुके हैं, इधर भी खड़ा हुआ था मैं, इधर भी खड़े होकर कूदे थे हम इसके ऊपर। इसका एक एडवांटेज और भी है, अब जब हम कैंपिंग करेंगे अगली बार ये वाला ड्रॉअर खोल के बैठ के आराम से कुकिंग कर सकते हैं, और फिर जब इसको बंद कर देंगे तो इससे बैठ के आराम से हम लंच डिनर भी कर सकते हैं। और वैसे मैंने इसको व्हाइट कलर इसलिए कराया, अच्छा, इसलिए गाड़ी के साथ मैच कर जाएगा। दूसरा ब्लैक कलर होता है वो जल्दी पानी को गर्म कर देता है, इसलिए मैंने सोचा अभी गर्मियों का मौसम है, ऊपर से पानी गर्म हो गया फिर मजा नहीं आएगा, ठंडा ठंडा पानी मजा नहीं आएगा, ठंडा ठंडा पानी रहे तो ज्यादा बेटर है। वैसे भी हम लोग ये पानी पीने के लिए यूज करने वाले नहीं है, हम इसके लिए स्नान करने के लिए सुबह सुबह और बाकी अपने क्रियाक्रम के लिए करने वाले, मैं क्रियाक्रम कह देता हूँ, नित्य कर्म करने के लिए यूज किया करेंगे। तो बस कुछ नहीं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी आपको जाते जाते दिखा दिया हमने।